अला सक्शन कप की लड़की इतने नखरे। चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि भी अमीर कैसे बनते हैं। भैया ये जिंदगी है ना। By the way, your bag looks very very expensive। बड़ी सुंदर बच्ची है यार। पहली राइड। 7 घंटे में भाई सारे हैं। तो आज के व्लॉग में तुम सबका स्वागत है, जो कि है टैक्सी का फर्स्ट व्लॉग, जिसे हम शुरू करने से पहले कॉलेज चलेंगे। मेरा कॉलेज है भाई, कॉलेज 4 बजे फिनिश हो रहा है, 4 बजे के बाद हम काम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले गाड़ी में थोड़ी एक्सेसरीज लगा लेते हैं कैमरास वगैरह के लिए। तो गाइस अंदर का रिकॉर्ड करने के लिए एक तो मैंने कैमरा यहाँ पे फिट किया, जैसे अगर तुम खुद को देखना चाहो ऐसा कुछ दिख रहा होगा तुम्हें। ये तो याद ही होगा जो मैंने मंगाया था गाड़ी पे यहाँ लगाने के लिए, एक ये और लगा लेते हैं। जैसे मैं देखो, आज तो देखो मेरा कॉलेज है, पर मैं कोशिश करूँगा कि कल भी रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, जब मैं पूरा दिन टैक्सी करूँगा या फिर नेक्स्ट वीक, तो ताकि मैं तुम्हें पूरे दिन की भी अर्निंग बता सकूँ कि पूरे दिन की अर्निंग कितनी होती। फाइनली लग गया। कॉलेज जाने से पहले एक बार जेबी हाईफाई और जाना चाहिए। मेरे को एक और माउंट लगाना है जो शीशे पे लगाना, और उसके लिए एक सक्शन माउंट चाहिए मेरे को, सक्शन वाला जो मतलब सक कर सके। तो बस जाता हूँ और लेके आता हूँ अपना। ये लो जी, आ गया अपना सक्शन कप माउंट DJI का। ये मेरे को पड़ा आई थिंक $80 का, याद भी नहीं है कितने का लिया था, अभी भी लिया मैं करूँ, एक मिनट नहीं हुई ली हुए और मैं भूल भी गया कितने का लिया है। इसे कहते हैं अमीरी। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, कोई अमीर नहीं हूँ मैं। वो एक्चुअली क्या है कि तुम मुझे अमीर बना ही नहीं रहे, तुम भाई वीडियोस वगैरह शेयर नहीं कर रहे हो मेरी, तो तुम्हारा भाई अमीर कैसे बनेगा है? तो लो जी ये है जो भी है। अला सक्शन कप की लड़की इतने नखरे को, तो ये जगह परफेक्ट मिली है, ये देखो। चलो भाई सेटअप तो रेडी हो गया, अब चलते हैं कॉलेज, फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे। इतने भी बेअदान था गांडो। एक तो ना पर्थ में ये बहुत है, ये देखो कितना बड़ा ट्रक, मैं कह रहा हूँ पर्थ में ना जैसे ये ओवरसाइज ट्रक, ओवरवेट ट्रक, ये तो चलो कुछ नहीं है, ये तो छोटा ट्रक है, बल्कि इससे बड़े बड़े ट्रक मैं कह रहा हूँ 3-3 लेन घेर के चलते हैं, जैसे पूरा का पूरा रोड उनके बाप का हो। बाकी चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि भी अमीर कैसे बनते हैं, और यही रीजन है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। देखो मुझे अमीरों वाली एक स्कीम पता चली है। यहाँ पे आए, टिकट ली, ये अमीरी नहीं थी पर हाँ तुम्हें दिखा। तो अभी क्या है, अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, और कॉलेज से जब वापस आएंगे ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भी अमीर कैसे बनते हैं, तो मेक श्योर कॉलेज फिनिश होने के बाद वापस जरूर आ जा। ओके जी भाई, कॉलेज के बाद मिलते हैं। A few moments later. जी भाई चलो तुम्हें सिखाते हैं कि भी अमीर कैसे होते हैं, ध्यान से देखना, बार बार नहीं बताऊंगा, वीक में सिर्फ 2 बार बताऊंगा, क्योंकि उस मेरा वो 2 दिन ही कॉलेज होता है। तो तुम देख रहे हो जैसे गाड़ियां आगे हैं, तो पहले तुम ऐसे पार्किंग में खड़े रहो थोड़ी दूर सी, कोशिश करो कि सबसे आखिरी में ही निकलो। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ जब ये जीप निकलेगी, जब तक ये गाड़ी निकलती है मैं तुम्हें थोड़ा गाड़ी का बता देता हूँ। देखो गाड़ी में वहां लगा हुआ है वाईफाई, GPS और सब चीजें, अच्छा फिर ये कैमरे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे भी है, एक ये है डिस्पैचर, इसमें जॉब्स आती हैं, इसे मुझे भी लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक है एफकोल मशीन जो उनकी तरफ से ही मिली थी रिसिप्ट निकालने के लिए मशीन, और इन दोनों का बटन है यहाँ पे, ये बटन चालू कर दिया, और एक ये रेड बटन देख रहे हो, ये रेड बटन होता है इमरजेंसी का, मैंने ये रेड बटन दबाया ना तो वो चला जाएगा, स्वान टैक्सी वालों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भी ड्राइवर थोड़ी मुसीबत में है, तो वो फिर मुझे इन कैमरा से, और एक कैमरा देखो ये लगाओ छोटा सा, इससे भी मेरे को पूरा लाइव देख सकते हैं वो कि भी मैं क्या मुसीबत आ रही है मेरे ऊपर। और टैक्सी का गाइस एक ये भी है, जैसे अगर कोई जॉब्स नहीं आ रही है और मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, कोई जॉब नहीं है, तो मैं कहीं भी चक्कर मार सकता हूँ, सिटी में चक्कर मार सकता हूँ, और किसी बंदे को टैक्सी चाहिए तो मुझे रोक सकता है हाथ दिखा के, या मैं उन लोगों से खुद पूछ सकता हूँ कि भी तुम्हें कहीं जाना है क्या, टैक्सी की चाहिए क्या। तो ये सिर्फ अलाउड टैक्सी को होता है, अगर तुम ऊबर एक्स कर रहे हो या DD कर रहे हो उनको अलाउड नहीं होता कि तुम ऐसे हेलिंग करके, इसे हेल बोलते हैं। यार एटलीस्ट 10 मिनट हो गए निकलना, अभी भी चक्कर का है, कोई औरत है या मेरे ख्याल से ना टिकट गुम हो गई है, अगर तुम फिर टिकट गुम हो गई तो यार फुल पे कर और निकल, यही मेरे ख्याल से तो यही रूल होता है, अगर टिकट गुम हो गई तो फुल डे का पे करना पड़ता है। ये लो जी ये निकल गई रिसीट, ये स्टार्ट शिफ्ट की रिसीट निकल गया,
और ऐसे ही रिसीट एक लास्ट में निकलेगी जब हम शिफ्ट एंड करेंगे, तो वो हमें दिखाएगा कि हाँ भी कितने अर्न किए हमने, मतलब कितने इस मशीन पे चार्ज किए हैं। ना ना लास्ट में निकलूंगा, आजा आजा तोड़ी आजा आखिरी। आजा आजा मैं रुक रहा हूँ आजा 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 मेरे कहते करीब लगा ले आजा 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 पहली राइड उठा लेते हैं। ये मेरे को 29.5 की पड़ रही है, 3.5 किलोमीटर पिक करने विक्टोरिया पार्क से मिडलैंड। ये राइड मुझे पड़ी है विक्टोरिया पार्क से मिडलैंड, जैसे तुमने फोन पे सुनी लिया होगा। अब ये एटलीस्ट 25 किलोमीटर तो मिलेगा मेरे ख्याल से। डीडी में ना क्या होता है, जैसे अगर ये तुम्हें जैसे 24 दे रहा है या 25 दे रहा है, तो ये इजीली मान के चलो कि भी राइड फिर मतलब उतने ही किलोमीटर की होगी। तो क्या अभी जैसे मेरे पास ओला का भी अकाउंट है, डीडी का भी अकाउंट है। ओला में तो देखो टैक्सी की क्या कहते हैं गाड़ी रजिस्टर हो जाती है, तो इसका नंबर अलग होता है ना, इस पे लिखा होता है TAXI टैक्सी और फिर एक 4 डिजिट का नंबर होता है। ये वाली गाड़ी Uber पे या DD पे रजिस्टर हो नहीं सकती, पर मैं स्टिल इस पे DD कर लेता हूँ। जब कस्टमर के पास जाता हूँ तो मतलब उसको मतलब फोन करके बुलाना पड़ता है, क्योंकि उसका गाड़ी थोड़ा ना पता है कि हाँ ये गाड़ी आ रही है। पर मैं उनको ये कह के दिलासा दे देता हूँ कि भी जो गाड़ी रजिस्टर है ना वो है टोयोटा यारिस, जो कि बहुत छोटी गाड़ी है, और ये टोयोटा कैमरी इतनी बड़ी गाड़ी है, तो तुम्हें तो सालों अपग्रेड ही मिल रहा है, ऐश करो। अभी मैंने जैसे इसका एड्रेस डाल के देखा है, तो इसका एड्रेस है यहाँ से 26 किलोमीटर दूर, तो अभी आधा किलोमीटर आएगा, 25.5 किलोमीटर, तो 25.5 किलोमीटर के मुझे मिल रहे हैं 29.5। मैं कौन? चलो जी होगी ये राइड। तो हाँ मैं क्या करता, जैसे जो पहुँचने वाले हो ना और आसपास कोई राइड अवेलेबल हो, कोई ऑर्डर कर रहा हो, जिस राइड पे हम ऑलरेडी हैं वो फिनिश होने के मतलब 5 मिनट पहले ही दूसरी राइड पड़ जाती है जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी मुझे सेकेंड राइड पड़ी है जो कि है $10.5 की, तो वो पिक करने चलते हैं। कस्टमर का नाम है जोश, ये रहा जोश। जोश दिखा दे अपना जोश। Hello, mate, how are you? Yes. Oh, this is a very beautiful area, actually. Oh, yes. Thank you. Yeah, come, sir. Have a good day. You too, brother. Thank you. इसके मुझे मिले 10.91। हाँ तो भाई देखो, अभी मैं पहले तो एरिया से बाहर निकलूँ। एरिया से बाहर भी क्या, पहले मैं डेस्टिनेशन तो कोई तो लगानी पड़ेगी ना। अब जैसे मैं सिटी में था तो वहाँ पे तो देख लिया अभी काम कुछ खास बिजी नहीं है कल की तरह, क्योंकि कल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं कह रहा हूँ बैक टू बैक ऐसे राइड आ रही थी मुझे, इतनी बढ़िया बढ़िया वो भी, और वहाँ पे तो सर्ज भी लगा हुआ था 2.2x का, तो मेरे मतलब डबल पैसे मिल रहे थे, वो सर्ज होता है। पर अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी जैसे डेस्टिनेशन चाहिए कोई, अब डेस्टिनेशन सिटी में जैसे मैं बोला बिजी नहीं है, तो अभी मैं देखूँगा फ्लाइट्स के भी, फ्लाइट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही हैं। तो भाई अभी जैसे फ्लाइट, जैसे ये ऐप है एक, ये पर्थ एयरपोर्ट के नाम से, इस वजह से फ्लाइट्स वगैरह पता ही चलती रहती हैं कि भी कौन सी बार फ्लाइट कितने बजे और कौन से टर्मिनल पे आ रही है। तो इस पर टर्मिनल देख लेते हैं हम कि भी किस टर्मिनल पे सबसे ज़्यादा फ्लाइट आ रही है। तो भाई T2 पे ज़्यादा आ रही है, तो मैं T2 का अभी मैप लगा लेता हूँ और वहाँ पे चलते हैं। पड़गी जी राइड, पड़गी, ये पड़ी है $10 की, मतलब 9.45 समथिंग की, तो $10 ही मानो। अरे बहुत पास पिकअप था यार, सिर्फ 400 मीटर। तो गाइस ये पड़ रहा है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर के मेरे को मिल गए 9.5। फ़ोन ही नहीं उठा रहा, खैर कोई ना। अब ये देखो जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी आ नहीं रहा इतनी देर से, 2.5 मिनट से नहीं आया, तो 2.5 मिनट और बची हैं। ये देखो नीचे ये जहाँ पे नाम लिखा ना चेहरा सा, इसके ऊपर टाइमर सा चला हुआ है, ये टाइमर ख़त्म होती है अगर मैंने राइड कैंसिल करी ना, मेरे को कंपनसेशन भी मिलेगा $7 का। अगर मैं स्टिल वेट करता रहा तो पर मिनट मुझे मेरे ख्याल से 70 सेंट्स मिलते हैं। मैं राइड करूँ ही ना, मैं कैंसिल कर दूँ, स्टिल मेरे को जो वेटिंग टाइम का है पैसे मिलने थे वो मिलेंगे। सर हैव यू? Not so bad, thank you. ये देखो जैसे ये अभी राइड फिनिश करिए जो, इसके बाद फिर मेरे को एक डिस्पैचर पे आ गई थी, ये आ रही है 20 किलोमीटर दूर से। जैसे स्टार्टिंग में ये तो पता था कि हाँ पार्करविल में है, मतलब घर का एड्रेस नहीं दिखाता पर सबब का नाम बता देता है। अब पार्करविल अभी मैं नया नया हूँ, मेरे को पता नहीं कि हाँ यहाँ से ये वाला सबब कितनी दूर है, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है पार्करविल, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। पर 20 किलोमीटर थोड़ा दूर जाऊंगा, इन बकवास पागल थोड़ा हम, तो इसको अभी कैंसिल मारना पड़ेगा। अब कैंसिल मारने के लिए क्या करते हैं, अगर देखो मैं कैंसिल मारूंगा ना क्या होगा कि भी एक शिफ्ट में सिर्फ 2 राइड कैंसिल मारना अलाउड होता है, उसके बाद डिस्पैचर पे जॉब नहीं आएंगी। हम क्या करते हैं कि भी राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको सिंपली कैंसिल करने के बजाय हम कर देते हैं अराइव कि हाँ मैं वहाँ पे पहुँच गया, मीटर भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर मीटर को स्टॉप कराया, स्टॉप जर्नी, फिर यहाँ पे कर दो नोट पेड अदर कुछ भी लिख दो, बड़ा बड़ा बड़ा, और फिर सबमिट। चलो जी राइड फिनिश, और ना हिस्ट्री में कोई फ़र्क पड़ता है,
कि हाँ भाई ये राइड की राइड फिनिश नहीं करता या वगैरह वगैरह, राइड एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अगर राइड एक्सेप्ट भी ना करें ना बहुत ज़्यादा फिर इशू होता है, फिर वो साले राइड भेजना ही बंद कर देते हैं, तो इसलिए राइड एक्सेप्ट करनी पड़ती है, पर वही फिर अराइव करके फिनिश कर दो। तो यहाँ रुकाऊँ पेट्रोल स्टेशन पे, कुछ खाते हैं या फिर कुछ खाने के लिए अभी ले लेते हैं। कितनी अच्छी राइड पड़ी थी, तो मेरे ख्याल से $23-24 की, $23-24 की राइड सुन के देख के मेरी नींद ही उड़ गई। मैं चलो यार कर लेते हैं, और उठानी भी वहीं से थी जहाँ पे मैं जा रहा था, वहाँ पे टर्मिनल 1 से मैं सिर्फ फ्यूल स्टेशन पे कर रहा था। पे करने करने के चक्कर में मेरे ख्याल से 1 मिनट हुई होगी मुझे, उसका मैसेज आया कि आर यू मूविंग, मैंने कहा कि हाँ ऑन माय वे, निकल चुका हूँ ऑलरेडी, मैं रास्ते में ही हूँ, और साले ने कैंसिल कर दी। $24 का नुकसान हो गया यार, $24 का। भैया ही जिंदगी है ना, एक उबर ईट्स में, उबर ईट्स डोरडैश मैंने लोगे जो भी है, और एक टैक्सी में ऐसे खाने को मिलता है कि चलाते चलाते खानी पड़ रहा है, यहाँ अजीब सी जगह बैठ के। भैया घर जाने का टाइम नहीं होता कि घर जाएं खाना बनाएं और फिर खा के वापस आएं, इतना टाइम नहीं था भाई किसी के पास। हम अपना उस पर टर्मिनल पर चलते हैं टैक्सी रैंक पे, और टैक्सी रैंक पे खड़े खड़े भी राइड आ जाती है $29-30 की, बहुत पास से DD की। जैसे ऊपर लिखा है राइड शेयर टैक्सी एंड बस ओनली, T1 पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ, राइड शेयर उसको कहते हैं ऊबर शूबर को, और टैक्सी तो है ही। तो यहाँ पे ना लाइन लगती रहती है, फिर अभी क्या होता है जिस टैक्सी के तुम पीछे खड़े हो ना, तुम्हें बस वही फॉलो करनी है। तो मैं पूरे रास्ते जब तक मेरा नंबर नहीं आता मैं इसी गाड़ी को फॉलो करता रहूँगा, 4882। लो जी आ गया नंबर, आ गया नंबर। ये देखो ये दो बैरियर लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें $4 पे करने पड़ेंगे। दूसरा ये यहाँ पे ये भी नहीं कि कार्ड से पेमेंट हो, कैश होती है कॉइन्स में, और यहाँ पे नहीं कर सकते। ऐसे जो मैंने ट्रिक बताई है कि भैया अभी पीछे निकाल दो किसी के भी, ये तो साला घर पे फाइन भी भेजेंगे और प्लस $4 के ब्याज लगाए, पता नहीं कितने लेंगे ये साले। तो भाई चाहे कुछ भी करना, एयरपोर्ट पे ऐसे काम मत करना बिल्कुल भी, कहीं तुम ये कहो कि हाँ हमें तो गौरव भाई ने सिखाया था, ये देखो उनकी वीडियो, ना ना। ये लो जी बस नंबर आने ही वाला है, आगे आगे जी कस्टमर तो आगे। हेलो मैम, हाउ आर यू? गुड थैंक्स। ओके बाय द वे Your bag looks very, very expensive. It's not. It looks like the Gucci one. Yeah, it is, but it's not a real one. It's not real. Do you wanna forget those bags in the car? I was gonna say you can retire on that. You can see them on eBay. Yeah. No, you're literally making me to steal them, huh? Oh. Don't worry, I'm not gonna keep them. Don't worry. Yeah. I wouldn't let them let you forget them. Oh no, it worked. Yeah. Sorry, I didn't notice that you are giving it to me. Sorry. Okay. And I'll get you the receipt as well. Thanks very much. This looks very expensive. I'm just saying. Iske mujhe mile hain $53. मतलब 52.95 53, शायद 18 किलोमीटर दूर था। टाइम का भी फ़र्क पड़ता है, ये नहीं सिर्फ जब गाड़ी चल रही है तब पैसे मिलेंगे, नहीं अगर तुम वेट भी कर रहे हो ना कहीं, मतलब वेट करना पड़ रहा है जैसे लाइट्स पे खड़े हो या गाड़ी मोशन में नहीं है तब भी मीटर चलता रहता है। सिरी कॉल अली। हबीबी तुम किधर होती? क्या हूँ क्या हबीबी, तुम बोलती नहीं हबीबी। हम हबीबी बीच बोरो होती, अभी अभी एयरपोर्ट से राइड उठाती, बीच बोरो छोड़ती, 52 मिलती, 53 ही अभी भी। तुम कितना बनाती अभी भी? 2:32। कितने बजे काम शुरू करती? 7 घंटे में 2:32 बनाती, अभी भी 33 की एवरेज। बहुत मंदा काम होती अभी भी। हमारा 103 बनती, हमने काम शुरू करती 3 घंटा होती अभी भी। भाई साहब आज है काम थोड़ा सा मंदा, बेटर ये रहेगा कि जो मिले ना वो उठा लो। मेरे को पड़ी है DD की एक $8 की, ये था 5 किलोमीटर का पिकअप। चलो ठीक है यार, कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ ही सही। इट्स आई एम जस्ट यूजिंग अ डिफरेंट कार एक्चुअली, आई डू टैक्सी ओला DD उबर एवरीथिंग। ओके थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, हैव अ गुड डे, आई मीन हैव अ गुड नाइट। यस मेरा था सिर्फ 800 से 900 मीटर था, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी था पूरा। तो देखते हैं कितने मिले हैं इसके, 8.06 सेंट। ये लीजिए एक इसको उतारा अभी अभी, ये जा रहा तुम्हारे सामने। इसके देखते हैं जो कितने मिले हैं, 6.88। एक ना DD में होता है वो ट्रिप सेंटर, उसमें मतलब बुकिंग्स होती हैं। अरे लाइट कहाँ है, हाँ उसमें बुकिंग्स होती हैं जो वो लोगों ने पहले बुक कर रखी होती हैं, तो वहाँ से भी मैंने एक राइड उठाई है। वो मतलब काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि तुम्हें वहाँ से कोई राइड मिल जाए, क्योंकि वहाँ से लोग बहुत जल्दी राइड उठाते हैं। तो उसमें टोटल किलोमीटर था 11.6 समथिंग,
और मुझे अभी जाना है 6.3 किलोमीटर पिक करने जाना है, पर टोटल हाँ 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। कस्टमर नाम गेव और मुझे इसके मिल रहे हैं 15 पॉइंट समथिंग। ये देखो इन बेवकूफ़ों को, वहाँ पे एक गाड़ी के खड़ी होने की जगह होती है, बीच में लिखा है कीप क्लियर, और ये साले फिर वहाँ पे तीन तीन गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। अब पीछे कोई ट्रेन आ जाए फिर उड़ा कर चली जाएगी इनको, फिर रोते फिरेंगे ये। But your fragrance is really good. Thank you. Yeah. It is, it's my friend. I think it's so good. It's Jimmy Choo. Which one it is, by the way? Oh, Jimmy Choo. Okay, yeah. Okay. I only heard that name in songs, that's all. Really? Yeah, there is a Punjabi song in it. I was at the airport, but I had to take a DD's ride. How is this name, bhai? S-U-N-G-S-O-O. Sung Soo. Soo! I hope that I get you here a bit early. Yes, thank you. Yeah, come. इसके मिले मुझे 24-25. तो अभी मुझे राइड पड़ रही थी, काफ़ी बढ़िया बढ़िया एक मुझे पड़ी, मेरे ख्याल से 48 की थी, पता नहीं कहाँ जा रही थी। पर भाई ये है गोसनल, मैं कह रहा हूँ गोसनल में से तो कभी भी राइड मत उठाना, कभी भी नहीं। किसी को ड्रॉप करने आना हो वो अलग बात है, लेकिन कभी भी यहाँ से भूल के भी राइड उठाना मत। गोसनल है सबसे बदनामी एरिया, सबसे ज्यादा बदनामी एरिया, और फिर सबसे ज्यादा बदनामी एरिया है मिडलैंड, पर गोसनल बेस्ट है सबसे बदनामी एरिया में, सबसे ऊपर टॉप। मेरे को एक राइड पड़ी थी, पता नहीं कितने की पड़ी थी, पर मतलब यहाँ पे T1 से पड़ी थी, टर्मिनल से एयरपोर्ट से ही उसको उठाने आया हूँ। तो पीछे से इतनी दूर से इतना ज्यादा ट्रैफिक, यानी कि ये टर्मिनल बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से कई फ्लाइट उतरी हैं एक साथ यहाँ पे शायद इसलिए, और अगर इतनी फ्लाइट उतरी है तो बंदे ही बहुत ज़्यादा होंगे टैक्सी वाले। तो मैंने तो राइड शेयर की लाइन छोड़ दी और मैं तो टैक्सी की लाइन में घुस गया। मगा छोड़ो यार, नहीं यार बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। DD की अच्छी राइड पड़ रही थी उस टाइम, मेरे को शायद 24 के करीब ही पड़ी थी। मैंने कैंसिल करके मैं टैक्सी में मुड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मेरे को लगा बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं तो जल्दी राइड मिल जाएगी। अब इतनी देर हो गया, मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा तो आराम से हो गया, एक भी राइड नहीं पड़ी, और अब लाइन बिल्कुल ठंडी पड़ी है, बिल्कुल नहीं चल रही। खैर कोई ना, इससे जब मैं तो भाई बाहर निकल गया हूँ अभी। अब बाहर निकल के सीट की तरफ मुड़ते हैं क्या पता तो कोई राइड आ ही जाए। तो गाइस ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में, आई मीन जहाँ पे अभी जिस स्ट्रीट पे मैं हूँ ये है जेम्स स्ट्रीट, ये मतलब आजू बाजू की है फ्रांसिस स्ट्रीट वगैरह, ये है मेन बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वो है सारे क्लब श्लब यहाँ पे हैं, ठीक है, मतलब पार्टी शार्टी सब यहीं होता है सब कुछ, तो ये स्ट्रीट हमेशा बिजी रहती है, पर आज नहीं है। जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा होगा, इसका मतलब काम भी बिजी नहीं है, और वो भी तुम्हें जैसे दिख ही रहा है, कोई राइड नहीं आई इतनी देर से, तो सब कुछ तो बंद पड़ा है। खैर थर्सडे है, पॉइंट टू बी नोटेड कि थर्सडे कभी भी बिजी नहीं होता। लो जी आ गए 7-11। नेक्स्ट डे भाई सर ने गुड मॉर्निंग 11 बजे सोया, 12 बजे तक सो के 5 बजे उठिया। तो भाई कल तो काम कुछ खास नहीं था यार, अभी मैं DD वगैरह स्टार्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने अब स्टार्ट किया मतलब 5 बजे तो क्या होगा, जैसे DD में कुछ आवर्स मिलते हैं मतलब फिर रीसेट नहीं होंगे, मतलब अच्छे से फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो बस भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ यार शेयर भी कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Bye-bye.